मूसेवाला की हत्या के बाद कांग्रेस ने मांगा पंजाब सीएम का इस्तीफा। भाजपा ने केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब इंडस्ट्री के फेमस गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की रविवार को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब में हैरान करने वाले इस हत्याकांड के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सिंगर मूसेवाला की हत्या पंजाब की कानून व्यवस्था को उजागर करती है। बाजवा ने ट्वीट करते हुए कहा, एक होनहार नौजवान सिद्धू मूसेवाला की इस तरह गोली मारकर हत्या पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर करती है। इस घटना के बाद सीएम भगवंत मान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास गृह मंत्रालय का प्रभार है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि हमले से ठीक एक दिन पहले उनकी सुरक्षा को किस आधार पर वापस बस ले लिया गया था। नेता विपक्ष ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को एक राजनीतिक हत्या करार देते हुए कहा कि जब तक दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजावरिंग ने ट्वीट किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और मैं हैरान हूँ। हमने सिद्धू मूसेवाला के रूप में कांग्रेस का एक होनहार सितारा खो दिया है। मूसेवाला की हत्या के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के होनहार नेता और प्रतिभाशाली गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से वह बहुत दुखी और स्तब्ध हैं। गांधी ने कहा, मूसेवाला के प्रियजनों और दुनिया भर के उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या से गहरा सदमा लगा। पंजाब और दुनिया भर के पंजाबियों ने एक प्रतिभाकारी कलाकार को खो दिया, जो लोगों की नब्ज को महसूस कर सकता था। उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।